नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति 2021 का जो IVR कॉल है वो अब प्रतिभागी के पास आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है। क्या इस सीजन में जितने भी प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट किए हुए हैं उनको अब IVR कॉल का इंतजार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस बार यानी कि सीजन 13 की बात करें तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वो 10 मई से लेकर 20 मई तक चला और जो IVR कॉल का डेट जो सोनीलिव ऐप पे दिया गया था वो 16 मई से लेकर जो है 22 मई तक दिया गया था और 22 मई जैसा कि कल जो है समाप्त हो चुका है। अब प्रतिभागी कुछ ऐसे हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके पास IVR कॉल जा चुका है, जो कि पहले भी वीडियो में हम आपको दिखाए थे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके पास IVR कॉल नहीं गया है और उनके तरफ से बार बार ये पूछा जा रहा है कि जबकि हम रजिस्ट्रेशन के दौरान 200 सवाल का सही जवाब अपना सबमिट किए थे, क्या वैसे प्रतिभागी को यहाँ पर इंतजार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल इंतज़ार कीजिए। KBC की पहला ये रजिस्ट्रेशन नहीं है जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। ये हर रजिस्ट्रेशन में ऐसा ही होता है कि जो सोनीलिव ऐप पे टाइमलाइन दिया जाता है उस टाइमलाइन के बाद भी जो है प्रतिभागी के पास कॉल किया जाता है। ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं, चूँकि रजिस्ट्रेशन जैसे ही प्रतिभागी अपना वहाँ पे सबमिट करते हैं और प्रतिदिन का सिलेक्शन जिस तरीके से होता है तो KBC टीम पहले से एक आंकड़ा बना लेती है कि इस प्रतिभागी के पास जो है हमें कॉल करना है, लेकिन उसी बीच काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं जिनके पास कॉल जाता है और वो रिसीव नहीं कर पाते हैं या फिर उनके पास कॉल लग नहीं पाता है। तो ये सब जो चुने गए प्रतिभागी होते हैं उनको वहाँ से फिर से छाँटा जाता है और फिर उनके जगह दूसरे प्रतिभागी का सिलेक्शन किया जाता है। तो ये लगभग एक सप्ताह तक आंकड़ा चलता है, यानी कि आज 23 मई है। तो अगर KBC के जितने भी प्रतिभागी हैं जो IVR कॉल का अपना इंतजार कर रहे हैं तो हम उनको बता दें कि आप 30 मई तक जो है अपना इंतजार यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 22 मई खत्म हो गया तो IVR कॉल नहीं आने वाला है, बिल्कुल यहाँ पे 110% आने वाला है। हाँ, जो IVR कॉल का रेट है वो कम जरूर होगा, ऐसा नहीं कि पहले जिस तरीके से आता था उस तरीके से होगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे प्रतिभागी का सिलेक्शन हो गया है तो इसलिए अब जो IVR कॉल रेट है उसका दर जो है वो काफ़ी कम होगा। वैसे प्रतिभागी जिनके पास IVR कॉल नहीं गया होगा यानी कि सिलेक्शन हुआ होगा और उनके पास जब KBC टीम के तरफ से फ़ोन की गई होगी और वो रिसीव नहीं कर पाए होंगे या फिर लगा नहीं होगा, तो वैसे जो प्रतिभागी माइनस हुए होंगे उतना संख्या फिर से जो है सिलेक्ट किया जाएगा और उनके पास IVR कॉल जाएगा। तो लगभग आप एक सप्ताह तक यानी कि 30 मई है, कम से कम आप 30 मई तक तो जरूर इंतजार कीजिए। 30 मई के बाद भले ही IVR कॉल नहीं जाएगा, ये एक फिक्स डाटा हम आपको यहाँ पर स्पष्ट बता देते हैं कि 30 मई तक आप इंतजार कीजिए और 30 मई के बाद भी अंदर यानी कि आपके पास नहीं जाता है तो आप इस सीजन का इंतजार जो है यहीं पे बंद कर दीजिए, क्योंकि 30 मई को ही ऑनलाइन ऑडिशन भी हो रहा है। कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके पास जो है KBC का IVR कॉल आया, उसके बाद उनका सिलेक्शन भी हुआ और अब जो है उनका 30 मई को ही 11 बजे से ऑनलाइन ऑडिशन होने वाला है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसका साउंड भी आपको सुनाएंगे कि देखिए प्रतिभागी के पास जो कॉल आया हुआ था तो उसमें टाइमिंग क्या दिया जा रहा है, 30 मई को कैसे जो है ऑनलाइन ऑडिशन उनको देना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाने ही वाले हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले थे कि KBC के जितने भी प्रतिभागी हैं जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अपना IVR कॉल का इंतजार कर रहे थे और जो सोनीलिव ऐप पर टाइमलाइन दिया गया था कि भाई 16 मई से लेकर जो है 22 मई तक आपको IVR कॉल जाने वाला है तो 22 मई तक तो इंतजार जरूर किए, लेकिन चूंकि 22 मई यहाँ पर समाप्त हो चुका है तो अब वैसे प्रतिभागी की धड़कनें भी काफ़ी यहाँ पर तेज बढ़ गई है। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे पास कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा या फिर हमें इंतजार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आप बिंदास जो है 30 मई तक IVR कॉल का आप इंतजार कर सकते हैं।